हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर्थ की मोरल स्किल्स लेसन फर्स्ट पढ़ाऊंगा। लेसन का नाम है इंटरनल फ्रेंडशिप, यानी आंतरिक मित्रता क्या होती है। वास्तव में उसी को मित्रता कहते हैं। और इस स्टोरी में आप लोगों को कृष्ण और सुदामा के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन में तमाम धार्मिक पौराणिक धारावाहिक आपने देखा, उसी में एक श्री कृष्णा भी आ रहा था, उसी से रिलेटेड यह पार्ट है। और मुझे बहुत ज़्यादा इस कृष्ण और सुदामा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं किस प्रकार से वो बचपन से ही, यानी जब वो क्या शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु के आश्रम में गए, तब से वे आपस में एक अच्छे मित्र के रूप में जाने जाते हैं। और उनकी मित्रता की क्या है, लोग कसम खाते हैं किस प्रकार से वो क्या है अच्छे मित्र कहे गए। उसी लेसन को क्या है, मैं आज इंग्लिश में आप लोगों को सुनाऊंगा पढ़ के। सो आई विल स्टार्ट फॉर रीडिंग दिस बुक, सो प्लीज़ पुट अप योर फिंगर्स ऑन अ फर्स्ट लाइन। देखिए, फ्रेंडशिप इज अ ब्लेसिंग इज अ एनी वन लाइफ। वी ऑल हैव फ्रेंड्स अराउंड अस। फ्रेंडशिप कैन बी डिफाइंड एज अ फेथफुल फ्रेंडशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स लिविंग एनी वेयर इन अ वर्ल्ड। लेट्स us read a story for the understand the real value of the friendship। यह आपका वीडियो पार्ट फर्स्ट है। पहला पार्ट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले एक बार मैं पढ़ाया था, लेकिन मैं फिर से उसको क्या रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। The internal friendship between Lord Krishna and Sudama is known by all। Let us read the incident and the depict there the friendship। Sudama was a very poor Brahmin। He was so poor that he was did not ever have enough food to serve his family। One night he was very sad because his child had to sleep without food। He said to his wife sadly, What can I do? I cannot ask for favor from anybody। Sudama wife replied, Your friend Krishna is the king of the Dwarika। Why do not you go to talk to him? As his wife suggested, he decided to go and meet Krishna। He said, I should take a gift for my friend, but what should I get for a king? His wife brought some rice from the snigabier and packed it into a turn, but clean clothes had given it to Sudama. Sudama left for the Dwarika. When he entered Dwarika, he was amazed to see the glorifying gold city. Sudama reached the palace gate by asking the direction from the pupils. Seeing his torn clothes, the palace ground stopped him and asked, Who are you and why are you here? Sudama replied, I am a Krishna friend. Go and tell me that Sudama has come. The guard instantly informed Krishna to Sudama arrival. Oh, hearing Sudama name, Krishna immediately stood up and run barefooted on the entrance to meet him. He went to the palace gate and took Sudama into the palace with him. He made Sudama sit on a velvet thrones and the discussed for the recalled there the childhood they
ऑफ आश्रम सीन हिज इनम्यूरियस वेल्थ सुदामा लेफ्ट आश्रम ऑन अ गिफ्ट दैट द ब्रॉट ऑफ द कृष्णा ही ट्राई टू हाइड एंड पैक ऑफ राइस कृष्णा नोटिस दैट सुदामा इज हिडिंग समथिंग कृष्णा टुक पैक फ्रॉम हिज एंड स्टार्टेड ईटिंग द राइस ही सेड देयर आर द स्वीटेस्ट राइस आई हैव द टेस्टेड यानी इसमें यह कहा गया है कि एक बार सुदामा क्या है बहुत गरीब थे एक रात की बात है उनका जो लड़का था सुदामा का पुत्र था वो क्या मीना भूखे मीना कुछ खाए क्या है सो जाता है तो उसकी पत्नी क्या है परेशान हो जाती है दुखी होती है और वो अपने पति से कहती है कि जो द्वारिका में के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं आप उनसे क्या है जाकर के मिलिए और अपने गरीबी के बारे में क्या है उनसे बातें करिए जब वो वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा एक पोटली चावल उनके गिफ्ट यानी उपहार के रूप में उनसे मिलने के लिए ले जाते हैं उनको देने के लिए तो वो जब उस गेट पे पहुँचते हैं तो वहाँ का जो द्वारपाल रहता है उस गेट का पे जो खड़ा हुआ सैनिक रहता है उससे कहते हैं कि जाओ अपने राजा से कह दो कि क्या है सुदामा आया हुआ है यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण क्या है नंगे पैर क्या है दौड़ जाते हैं मिलने के लिए और उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ क्या है अपने राजमहल में लाते हैं उन्हें बैठाते हैं और उन्होंने क्या है जो चावल ले गया था उसे क्या है गिफ्ट के रूप में उनको दे देते हैं और जब कृष्ण भगवान क्या है उस चावल को खाते हैं तो वो कहते हैं कि वास्तव में क्या है यह चावल बहुत ही मीठा है मैंने ऐसा चावल क्या है आज तक पहले कभी नहीं खाया था थैंक यू बट एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए सभी बच्चे जो एडमिशन नहीं कराए हैं वो अपना एडमिशन अवश्य करा लें और जो बच्चे अपना एडमिशन करा चुके हैं वो लोग अपनी क्या है मंथली फीस अवश्य जमा कर दें जिससे कि क्या है आसानी से आप लोगों तक वीडियो क्या है भेजा जा सके और विद्यालय परिवार में आप लोग सहयोग करें थैंक यू।